आदरणीय जयखान सिंह जी, आदरणीय सुरेश भचौरी जी, बहन कृष्णा जी, भाई विश्वास जी, आज जिन्होंने भोपाल में शानदार सफलता प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड रचा है, ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, उनके क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड रचा है एक नया विजय का, बेटी कविता जी, बड़ा वाला हाल है वहाँ, भाई विष्णु जी, हमारी मेयर बहन मालती जी और हमारे महामंत्री भगवान दास जी, मंच के अलावा भी जो यहाँ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मन गणगत भाव विभोर है, एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। अभी प्रभात जी बता रहे थे 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, दो रह गई, 2019 में हम 28 जीते थे, एक रह गई थी, वो एक कसक रही थी, लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। बहुत इच्छा थी मैंने ये कब जीत जाएंगे, मैं प्रदेश के नेतृत्व को, भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, नितानंद जी को और सभी कार्यकर्ता और नेताओं को इस हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एमपी के मन में मोदी ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बात फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, हृदय से हम आभारी हैं अपनी जनता के। तीसरी बार 300 पार तो हो ही रहा है, अभी और परिणाम आगे आने बाकी है, ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। और हम सरकार बना रहे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बन रही है और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, जब वो लौटे कन्याकुमारी से तब उन्होंने ये बात कही अपने चुनावों में, आने वाले इस साल केवल अपने देश के लिए समर्पित करते हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं का पालन कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये निराश विजय महाविजय है, जनता को मैं बार बार काम करता हूं और अद्भुत है अपने कार्यकर्ता जिनने उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस संकल्प के साथ हमारे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी इन सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर एक कार्यकर्ता को झुकना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूं। विजय का केवल जश्न मनाने हम इकट्ठा नहीं हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार कि जो योजनाएं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। एक बार मैं फिर
अपने अध्यक्ष आ गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आ जाओ विष्णु जी, आपको भी बधाई 29 सीटों की विजय के लिए। मोहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जब अध्यक्ष जी हो और मुख्यमंत्री जी हो तो अब लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 बजे प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है। आप सबका अभिनंदन, बधाइयां, और जनता को बारंबार प्रणाम। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत।